वातावरण में बदलाव का असर हमें हर मौसम महसूस होता है। अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। कड़कती धूप और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अप्रैल महीने का अंत होने को है और मौसम का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर अभी ये हाल है तो मई और जून के आगामी महीनों में पता नहीं क्या हाल होगा। ये हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि वो गर्मी से बचाव के लिए कैसे एहतियात बरतते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अवनीत कुमार जी। अवनीत जी, आप गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? देखो, सबसे पहले हम यह कहना चाह रहे हैं कि देखो, धूप बहुत तेज हो रही है, इससे बचने के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर ये करेंगे, मास्क लगा के चलें, अपने शरीर का कोई भी अंग जो है खुला न रखें, जिससे कि धूप बहुत तेज है, इससे जो है हमें समस्याएं हो सकती हैं। मास्क लगाएंगे जिससे कि गर्म हवा जो चल रही है, लू वगैरह हमारे अंदर न जाए, जिससे कि हमें कोई समस्या न हो और हम स्वस्थ रहें, खुश रहें। और जो है इससे यह होता है, गर्मी इतनी तेज है तो इससे बचने के लिए मास्क लगाएं, हमारे पास जो हो छाता लेके धूप में निकले और धूप में ना निकले, जितना हो सके धूप में ना निकले, अपना काम जो है सुबह या फिर शाम मीटिंग में ही अपना काम करें। और आप गर्मी से बचने के लिए कौन से ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं? देखो, सबसे पहले गर्मी से बचने से हम ये कहेंगे कि जो पानी रखी जाए, पानी में जैसे हमारा आता है खीरा आता है, कद्दू आता है, ये सारी चीज़ें फल हैं, फल में हम लोगों को जूस लेना चाहिए, सेब का भी जूस लेना चाहिए और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा होता है और हमारी शरीर को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जो जैसे सर डॉक्टर लोग रिकवर करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि ग्लूकोज लेना चाहिए बच्चों को, जैसे कोई बीमार हो जाता उसको लेट्रा वगैरह लिखते हैं, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग जो है ये गन्ने का जूस पी लें, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत रिकवर बहुत जल्दी रिकवर होती है, जिससे कि हम लोग फिर धूप से भी बचेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लू से बचने के लिए हम लोग प्याज खाएँ। बहुत से लोगों को जो है प्याज खाने में बहुत से एलर्जी होती है, कहेंगे प्याज बदबू करता ये करता, हाँ इससे अच्छा तरीका यह है प्याज में आप लोग नींबू डाल के नमक लगा के खाएं, इससे बदबू नहीं आएगी और हमें लू नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात लू ही है, अगर लू लगे तो इंसान को फिर जो है तबीयत खराब हो सकती है और वो है हॉस्पिटल जाते हैं। और गाजर और आप अपने सब्जियों को तभी ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? फ्रिज में लगाइए या काट के बोरी हो उस पर ढक दीजिए, पानी फिर पीते रहिए। और कौन सी सब्जी हमारे लिए बहुत सेहतमंद होती है? ज़्यादा ज़्यादा लौकी और खीरा खाइए, तरबूज खाइए, तराई खाइए। हैं बचाव करने के लिए क्या क्या एहतियात बरतें, तो ऐसे ही आप भी गर्मी से अपना बचाव करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। मैं भी कैमरा पर्सन हर्षिता।